बड़का समाचार देखे के बाद बेरा हो गए खबर छत्तीसा के। जांजगीर चांपा जिला के पामगढ़ के कोसला गांव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ह सभा लिहिस और कांग्रेस प्रत्याशी रवि भारद्वाज के पक्ष में वोट देहे बर लोगन मन ला अपील करीस। सभा में भूपेश बघेल ह कहिस कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार गरीब मनखे ला 35 किलो चावल देवत है, बिजली बिल घलोक आधा हो गए, किसान के 2500 में धान खरीदी करे गए और लोन ला भी माफ कर दिए गए। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार ह 100 दिन में बेहतर काम करे है, ओकर ले लोकसभा चुनाव में जनता के भरोसा कांग्रेस ला जरूर हासिल होई। देखा रिपोर्ट। सभा में भूपेश बघेल ने कहिस कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार गरीब मनखे मन ला 35 किलो चावल देते, बिजली बिल हाफ हो गए, किसान के 2500 में धान खरीदी करे गए और लोन ला भी माफ कर दिए गए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार ह 100 दिन में बेहतर काम करे है, ओकर ले लोकसभा चुनाव में जनता के भरोसा कांग्रेस ला जरूर हासिल होई। ये भाजपा का पुराना राग है, जोगी समय बोलते थे जोगी टैक्स, 15 साल कुछ नहीं बोले, 15 साल में क्या सीमेंट का भाव नहीं बढ़ा, रेत का भाव नहीं बढ़ा, गिट्टी का भाव नहीं बढ़ा, छड़ का भाव नहीं बढ़ा, आज केंद्र में उनकी सरकार है। भूपेश बघेल पीएम मोदी और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पर भी चौकीदार लले के निशाना साधी। यहाँ भूपेश बघेल साध्वी प्रज्ञा के बयान ला शहीद मन के अपमान बताई, जेमा शहीद हेमंत करकरे ऊपर साध्वी प्रज्ञा हर टिप्पणी करे रही।